मैडम आप मुझे बताइए ना लीगल क्या है, आप मुझे बताइए लीगल क्या है फिर। पर्ची म्यूनसिपैलिटी जम्मू म्यूनसिपैलिटी पर्ची कटाओ है वो लीगल है ना लीगल कि नहीं है वो लीगल। तोड़ी किस चीज़ की दुकान से? हमारे सौ दुकान ही चाल रेड़ा ला रही थे। ये घर ये पीछे घर है हमारे, बेरोजगारी है, लगे कुछ करने करो करो करो। यहाँ पे पुलिस वाले भी कहते हैं यार चाय वाय पिला दिया अगर हमें फीलिंग्स का ना किसी की फीलिंग्स का ये सरकार निकम्मे लोग ये अफसर लोग उनको नहीं है, उनको अपने से मसला है। घर में बैठ के कुर्सी में बैठ के किसी को लात मार के उनको अपना 70-80 हज़ार रुपया लाख रुपया मिलना तनख्वाह पेंशन अलग, तो जुल्म करी चलो डंडा ले गए लोगों को मारी चलो तो पैसे अपने कमाई चलो। राशिद भाई एक मिनट, जब पिछली बार बसंत रात आए थे एक घंटे में उसने मुझे दुकान बंद कराई थी, बंद की थी कि मैंने कि नहीं की थी? उन्होंने बताया था ठीक है, उन्होंने कहा था भाई बंद कर। और रेडी यहाँ थी, वो जहाँ देख रहे हैं ना वो खंबे के पास में वहाँ थी रेडी ठीक है, तो उसने वहाँ पे बंद करवा दी थी। अब ये दूसरे म्यूनसिपैलिटी वाले बसंत रात बस गए, मैडम लाइसेंस नहीं देते, चोर बैठे हुए उधर सारे देंदे नहीं। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 16 मैं पागल लग रहा हूँ, मैं जाना नहीं उधर। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ ही देर पहले एक ड्राइव की विक्रम चौंक में, जिन्नी भी तुसी रोड साइड रेहड़ियाँ वेखते हो मोस्टली जी रेहड़ियाँ ने जी इलीगल सड़कों पर लगी रही ने वो सारी चक के लै गए ने। उनके मेरे नाल एक तुसी देख सकते हो इतने एक परसन खड़ोते नहीं। मैम ये क्या कह रहे हैं इलीगल, तो लीगल क्या है? जब म्यूनसिपैलिटी वाले पर्ची दे रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी वाली पर्ची दे रहे हैं, एक दिन की नहीं दे रहे हैं, 17 से दे रहे हैं, 17 से दे रहे हैं, वो पर्चियां हमें दे रहे हैं, कोई गल नहीं ये पर्चियां रखो ये लो पकड़ो पर्ची, तो लीगल क्या है तो अनलीगल क्या है मुझे बताइए ना। किस लीगल ये है? ये लीगल इसको आप लीगल कहते हैं जो उठा के लेके गए बगैर बताए, ये लीगल है अनलीगल? आप कैसे बोल रहे हैं अनलीगल? फिर आपने पर्ची क्यों बांटी? आप मेरी बात सुनिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं मैं तो इलीगल नहीं कह रही, जीएमसी वाले का कहना कि जिन्ने भी रोड साइड जिन्नी भी रेहड़ियां होंदिया ने वो आए दिन कहीं ना कहीं एरिया तो चाहिए ना। लीगल क्या है आप मुझे बताइए लीगल क्या है फिर? पर्ची म्यूनसिपैलिटी जम्मू म्यूनसिपैलिटी पर्ची कटाओ है वो लीगल है ना लीगल कि नहीं है वो लीगल? तोड़ी किस चीज़ की दुकान से? हमारे सौ दुकान ही चाल रेड़ा ला रही थे ये घर ये पीछे घर है हमारे, बेरोजगारी है, लगे कुछ करने करो करो करो। यहाँ पे पुलिस वाले भी कहते हैं यार चाय वाय पिला दिया अगर हमें सुबह कोई खाने का कुछ नाश्ता वाश्ता, ये पुलिस लाइन है ना यहाँ साथ में, तो वो सब दोस्त वोस्त वो भाई भाई सब मल्लेदार कहने लगे यार खोल कोई बात नहीं बेला क्यों रहता है बेकार क्यों रहता है। पुलिस वाले ने आप क्या था? मैं कह रहा हूँ अभी यहाँ पे पुलिस वालों को पता लगेगा ना वो भी बेचारे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे यार तूने लगाई थी, वो भी गालियाँ देंगे कुछ कह नहीं सकेंगे ना। मैं दसो के फुटपाथ पे छज्जा लाना वो भी तो इलीगली हो गया। मेरी बात सुनो ना मैम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ लगा रहा हूँ, आप वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं वहाँ पे साइड पे लगाई। अच्छा साइड पे कॉलेज के कोल, ये यहाँ पे कॉलेज के पास नहीं है, ये जो ये जगह है ना ये यहाँ पे मिट्टी पड़ी थी। अच्छा। कुछ देर से मैं इसको साफ करने वाला था, ये देख रहे हो आप, ये इधर दिखाना भाई साहब, ये है ना ये मुझे जगह साफ करनी थी, मुझे यहाँ पे लगानी थी। अच्छा ठीक है, अभी ये जगह की है, मैं यहाँ पे सामान लेने जा रहा था, मैं यहाँ सिटी गया सामान लाने के लिए, मैं वहाँ पे एकदम से एक लड़की निकल के आई, स्कूटर था मेरे पास, तो मैं स्कूटर से गिर गया, मुझे बाजू पे लग गई, ये मुझे 1.5 महीना हो गया, मैं अभी घर पे था, अभी मैं सोच ही रहा था कि मैं इसको साफ कराऊंगा ठीक है। पर ये जगह है किस दी है? ये जगह हमारे मोहल्ले की है, हाँ जी मोहल्ले में ही है, संजय जी हैं उनकी है, बाबा जी हैं उनकी जगह, तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं उनसे पूछा, वो कहते हैं लगा ले साइड पे रखना थोड़े सा, तो मैंने ये यहाँ पे मैंने उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे लगानी थी मुझे, गली है ना गली, मैम इधर है ना गली, इधर है, मैं उधर की बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ, ये देखिए ना ये यहाँ कौन सी गली है, यहाँ थोड़े ना गली है कोई। अच्छा, इधर लगाना है, मैं बोला ना बाजू को लग गई, भाई बैड लक हो गया ये मुझे बाजू में लग गई, मैं यहाँ पे मतलब कर नहीं सका इसको, मगर एक इदारे का है कि किसी का नुकसान करना है कि उसको बचाना है। सिर्फ तो अड्डा ही पूरा समय चौके ले गए, बाकी भी रेडी है। मैम मैं कह रहा हूँ मुझे उसमें सामान है सारा, वो जितनी पर्चियां हैं वो उसमें पड़ी हुई हैं, एफिडेविट बाकियां भी रेडियां चुकी हैं, सिर्फ तो ले गए फिलहाल, मुझे अपना ही नजर आ रहा है, किसी का मुझे पता नहीं अभी।
जैसे मेरा लिया हमेशा जज अकेला। मैम मैं कह रहा हूँ मुझे मौका नहीं दिया कि तू उसमें से सामान निकाल, कोई पैसे भी और बेची सारे। मैं कह रहा हूँ पैसे पड़े हैं उसमें, चेंज पड़ी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अभी खोलता हूँ। ये चाबी लाई अंदर से, अभी मैं सब्जी लेने के लिए बाहर गया था, वहाँ से घर के लिए। दुकान पे कौन बैठे रहे? मैडम बंद थी, मैं बता क्या रहा हूँ। अच्छा बंद थी और मैडम कोई बताने की बात ही नहीं है, बताने की कोई बात ही नहीं हुई है कि बताना कुछ बताना किसी को। बंद कर तू इधर क्यों लगाई है, चल भाग इधर से, यहाँ ले जा इधर से। अब आप जैसे वसंत रथ ने एक बार मुझे कहा था, बोलता भाई तू बंद कर दे, ठीक है एक घंटे में बंद कर देना। मैंने उसी वक्त एक घंटे में बंद कर दी थी। ये 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 हमारे ये भाई राशिद भाई, एक मिनट, जब पिछली बार वसंत रथ आए थे एक घंटे में उसने मुझे दुकान बंद कराई थी। बंद की थी कि मैंने कि नहीं की थी, उन्होंने बताया था, ठीक है उन्होंने कहा था भाई बंद कर। और रेडी यहाँ थी, वो जहाँ देख रहे हैं ना वो खंभे के पास में, वहाँ थी रेडी, ठीक है। तो उसने वहाँ पे बंद करवा दी थी। अब ये दूसरे म्यूनसिपैलिटी वाले वसंत रथ बस के क्या बोले। मैं दसो कि इस दुकान के नाल किन्ने लोगों का गुजारा। मैम देखो मेरे दो बच्चे हैं, ठीक है मिसिज है, मेरी बूढ़ी माँ है, बाप है बूढ़ा, आपने देखे होंगे अभी मेरे बूढ़े बाप हैं, सात आठ लोग तो हैं, छः सात बहन है, एक बहन भी है। इस ये जड़ा तुसी चाह भेज दियो इहदे नाल ही उन सारे लोगों का गुजारा चल रहा है। नहीं फादर साहब भी करते हैं, वो भी पहले नौकरी करते थे, वो अब रिटायर हैं काफ़ी देर से घर में ही, तो वो भी करते हैं काम। और बहन मेरी है वो पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ाती है प्राइवेट स्कूल में, तो करते हैं मैम गुजारा क्या करेंगे। तो हूँ जब जिस वेले थोड़ा समान चक के लैके गई तो कुछ किया म्यूनसिपैलिटी वाले ये दिया ना मैम नंबर, हाँ नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है, लैंडलाइन नंबर लगता है मुझे। ये देखिए एक ही दवा किस वास्ते तो उधर आ जाए, जब यहाँ पे मैं रोक रहा था ना तो मैम दिखता ही नहीं है कुछ, जब किसी की रोजी रोटी मतलब किसी का पेट पे लात बजती है तो उसको थोड़ा दिखाई देता है कुछ, तो उस वक्त मैंने वहाँ पे मैं गाड़ी के नीचे घुसा तो फिर उन्होंने मुझे ठगाए और सारे लोग मेरे को कहने लगे कोई बात नहीं तू उधर चले जा तेरे को वापस मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता ये वापस देंगे, अब मुझे कितने चक्कर लगाने हैं। अच्छा उन तुसी फिर म्यूनसिपैलिटी दे दफ्तर जाना पड़ेगा। मैम मेरी तो चीज़ है, मेरा तो रुपए पैसे लगाए हैं मैंने उस पर, मेरा सामान पड़ा उस पर, जाऊँगा फिरूंगा नहीं माने। इहदे कोल पहले कदे जीएमसी वाले ने तुहानूं आके कदे बोलिया कि आंदे ही ना, आंदे ही चाह पी के टुर जाते ही। अच्छा बंद करने ऐसे कदे नहीं किया। मैडम अगर आप मुझे बता रहे हैं लीगल, आपने बोला लीगल अनलीगल अनलीगल, अगर लीगल नहीं था तो मुझे 10,000 का लोन क्यों दिया इन्होंने, अगर अनलीगल था इन्होंने क्यों दिया बताइए ना, पर्ची क्यों काटी इन्होंने 200 रुपए पहले बोल देते भाई नहीं। पर्चियां तो हर जगह काट देने सिटी च भी जज मैडम लाइसेंस नहीं देते, चोर बैठे हुए उधर सारे दें दे नहीं। मैं तेनू कह रहा 16 दा मैं पागल लग रहा तेनू, मैं जांदा नहीं उधर। अच्छा तुहाडी बिना लाइसेंस दे लाइसेंस, मैं कह रहा लाइसेंस है मगर वह नहीं देते, देंदे नहीं है ना एंटर है एफिडेविट होता है किधर जाओगे जज साहब। तो फुट पाते अपना छज्जा खोलने वास्ते लाइसेंस मांगोगे ते जाहिर सी किन्ने मंगया है इदे वास्ते, मैं कह रहा इधर तो दोगे ना मेनू कि इधर भी नहीं दोगे। मैं इधर नहीं कह रहा, मैं कौन लगा रहा है इधर, लगाया था मैंने बंद करके रखी हुई थी किस लिए कि कुछ बात होगी, ठीक है बंद करके रखी है, कम से कम बंद करके रखी है। अब मैं अपने ये मेरी बहन का घर है, बहन के घर के पास मैंने यहाँ पे खड़ी करके रखी, इनको बोला इनको कोई एतराज़ नहीं, यहाँ अगर इनकी कंप्लेंट होगी तो मैडम मैं जुर्मदार हूँ। यहाँ से कौन चल रहा है, कौन चल रहा है यहाँ से हैं, वैसे ही बड़ा गंद पे रहा है पीछे। तो मैडम मैंने थोड़ा डाला है गंद, नहीं मैं इतना ही गल कर रही हूं। नहीं मेरी आप मुझे बोल रहे हो ना गंद पड़ा हुआ है, तो गंद किस ये काम इनका है कि हमारा है, ये इन्होंने किया नहीं बस हमारे पेट के पीछे पड़े हुए हैं, बात यह है। उन तुसी की उम्मीद कर दो कोई, मुझे मैं क्या उम्मीद, मेरी तो जैसे जैसा देख रहे हैं ना क्या अब मैं कह सकता हूँ। कितना टाइम हो गया ही तानू इत्थे? मैम मैं 17 से लगा रहा हूँ, 2017 से यहाँ लगा रहा हूँ। हाँ लगभग तानू 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं, वो 5 साल में तो मैम एक कोरोना आ गया, फिर इनको और आ गया, अब ये भरोना आ गया, ये पहले कोरोना था अब लोगों को भरोना है, अब भराना भरोना उनसे लो ना बड़ी बड़ी कोठी वालों से, हमें रेडी वालों से क्या भरोना है, तो चोर है मैम सब। उन
कोई कुछ उम्मीद कर दियो? मैं कोई नहीं उम्मीद, बस उम्मीद में यही है कि मैम क्या बोलेंगे, मैम उम्मीद क्या, उम्मीद क्या, उम्मीद वो गाना है तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तू अपने शज्जे हंसते क्या है, तू अपने शज्जे, हमारे देश हम तुझसे प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, मतलब इंतजार करना और कुछ नहीं होगा। ये आप जितना मर्जी आप किसी कोई फीलिंग्स का ना, किसी की फीलिंग्स का ये सरकार निकम्मे लोग, ये अफसर लोग, उनको नहीं है, उनको अपने से मसला है। घर में बैठ के कुर्सी में बैठ के किसी को लात मार के उनको अपना 70-80 हज़ार रुपया लाख रुपया मिलना तनख्वाह, पेंशन अलग, तो जुल्म करी चलो, डंडा लै के लोगों को मारी चलो, तो पैसे अपने कमाई चलो, इनका यही हो। फिर तुसी अगे जाऊंगा मैम, खिलाऊंगा पिलाऊंगा आगे पीछे, चक्कर लाने ने और क्या करना, और क्या करना, बस और क्या बोलते और कुछ क्या बोलना। हर जगह तुसी देखते हो कि JNC जाकर जड़ी रेड़िया सड़कों के किनारे लगी रही होंगे ने वो चक के लै जाते हैं, सड़कों के किनारे जी लगी रही होंगे ने इलीगल लगी रही होंगे ने वो JNC वेखते रहते हो आए दिन चक के लै जाए ने, पर यहो जे जो लोग सामने आते हैं इन लोगों की यो उम्मीद होंगी है कि एडमिनिस्ट्रेशन साढ़े नाल कोऑपरेट करे, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन ये म्यूनसीपलिटी की जी परची होंगी है वह भी हर महीने कटाते सी, कटने के बाद भी इधरों इनका जोड़ा छज्जा है वह पैसे समेत समान समेत जोड़ा वो चक के लै आते हैं, यो चाह रहे थे कि चलो तुम लैके जाना भी है, घट्टू घट इनका समान जोड़ा बेच पे रहा वो छड़ के जाते, जोड़ा गला ही वो छड़ के जाते, जोड़े पैसे वटाए रहे ही इन्ने टाइम की जी मेहनत की रही वो छड़ के जाते, पर गले समेत तो पूरा छज्जा ही इधरों चौके लै गए ही। जो मैम समान टूटेगा उसमें जो जैसे डाला उनको 20 लोगों ने उठा के उसको रेड़े में डाला, अब वो रेड़े वाला ट्रक वाला उतारते वक्त भी जो सामान उसमें पड़ा वो टूटा वो डैमेज कौन देगा मुझे, ये क्या ये देंगे, नहीं देंगे ना, इसलिए कहते हैं चल नठ नहीं तो अंदर करा देंगे, ये कहना ना इन्होंने, और क्या कहते हैं चलो ना मेरे नाल, ये रखियो माइक मुइक अंदर तो मेरे नाल चलो जरा, अगर है तुसी ये कर सकते हो तो ये आम जनता की गल है मैम, कोई नहीं सब चोर ना इत्थे, मेरी गल सुनो ना, आसमानी गोले पैने इन्हों कीड़े पैने कीड़े फिर मरते ना, शुगर इन्हों थायराइड इन्हों बीमारियाँ इन्हों ऐसे लोगों ही लगती है ना, सानू नहीं लगेंगी, अं मजदूरी करने पसीना कटने अपना खून पीसने रोटी खाने अपने बच्चों भी खाने हक हलाल, ये हराम खान दे गिजे दे, जेड़ा मेरा समान टूटेगा क्या कोई देगा, कोई दर्द तकलीफ सुनता है कोई, कोई नहीं सुनेगा, कोई उम्मीद है नहीं, मुझे नहीं है उम्मीद, मैंने बोला ना आपको तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ये देश हम तुझसे प्यार करते हैं, वही है बस सीधी बात।